स्मिथ और मैं हूं आपके साथ। अब हम ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो नारायणपुर से मिल रही है, जहां आईटीबीपी के 4 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले 2 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 4 जवान छुट्टी बिताकर दूसरे राज्यों से लौटे थे और आईटीआई क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर से, जहां आईटीबीपी के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दूसरे राज्य लौटे थे, जिसके बाद जब कोरोना टेस्ट किया गया तो 4 जवान उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बड़ी खबर नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां आईटीबीपी के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईटीआई क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए थे, जिसके बाद जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। की बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दूसरे राज्य से वापस लौटे थे और क्वारंटाइन भी किया गया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी की हमारे साथ में संवाददाता इंदिश पात्रा जुड़ गए हैं। इंदिश, 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कैसे संक्रमित हुए हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जवान अपने छुट्टी में घर गए थे, उसके बाद आने के बाद 2 जवान जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद आज एक रिपोर्ट और आई है जिसमें 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सारे जवान आईटीबीपी के जवान हैं जी। और उसके बाद और कितने क्वारंटाइन में लोग हैं जिनके सैंपल भेजे गए हैं और रिपोर्ट आना भी बाकी है? 23 लोग को क्वारंटाइन में रखा गया था, जिसमें अब तक 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जी। तो बाकी के जो लोग हैं उनकी भी रिपोर्ट आ गई है क्या? ये बाकी रिपोर्ट अभी निगेटिव आया है जी। चलिए, ये अच्छा है कि बाकी के जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर।